ये है विकास दर्जी और इसकी कहानी सुनकर आपको लगेगा जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म सामने आ गई हो। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के तोतापाड़ा गांव का रहने वाला यह 32 वर्षीय युवक 4 साल पहले अपने सीने पर आई लव यू लिखाकर घर से निकल पड़ा। यह सफर उसे देश के पश्चिमी छोर राजस्थान के बाड़मेर तक ले आया। 11 नवंबर 2021 को बाड़मेर के पुनर्वास गृह में लाए जाने से पहले विकास ने कई कठिनाइयों का सामना किया। शुरू में वह किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ उसने अपनी पहचान बताई। रिहैबिलिटेशन सेंटर के प्रबंधक अनिल शर्मा की मेहनत ने विकास की जिंदगी में नया मोड़ लाया। उन्होंने विकास के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने का बीड़ा उठाया। कई पुलिस थानों से जानकारी जुटाने के बाद आखिरकार विकास के परिवार का पता चला। ये बच्चा जो हमें ग्रामीण पुलिस थाना से प्राप्त हुआ था और उनको ये बच्चा जो जसाई गांव में मिला था और ये बच्चा हमको 15/11/2021 को मिला था। उस दौरान जब बच्चे को लाया गया तो बच्चे की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। बच्चा एकदम गुमसुम अवस्था में रहता था, किसी भी तरह की शारीरिक हरकत भी बच्चा नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे बच्चे के साथ में, इतने स्टाफ के साथ में, लोगों के कर्मचारियों के बीच में थोड़ा व्यवहार बदलने से बच्चे में जो मानसिक रोगी होने के साथ साथ जो दवाइयां बच्चों को दी गई वो दवाइयों में धीरे 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 बच्चे में बदलाव आया और बच्चा दैनिक जीवन की जो क्रियाएँ हैं वो पौधों में पानी पिलाना, खुद से नहाना धोना, अच्छे से खाना खाना, अपने बर्तन उठाना, इस तरह की जब प्रक्रियाएँ बच्चा करने लगा तो हमें लगा कि ये बच्चा कहीं न कहीं और किसी न किसी दिन अपने परिवार का पता अवश्य हमें बताएगा। फिर उस बच्चे के सामने जब हम क्लासरूम एक्टिविटी करते हैं, हमारे जो बाकी कर्मचारी लोग जो उनके साथ मदद करते हैं, तो बच्चे ने पहले दिन धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया था। अपना नाम उसने पहले दिन विकास बताया, फिर कुछ दिनों बाद उसने विकास दर्जी करके अपना नाम बताया, फिर उसने अपने गाँव का नाम तोतापाड़ा, कुछ समय बाद उसने जिले का नाम जलपाईगुड़ी बताया। इतना जब पता लगा तो हमने वहाँ के कुछ पुलिस थानों को वगैरह उससे जब सर्च किया तो वहाँ के पुलिस थाने हमें मिले। उन्होंने अलग अलग पुलिस थानों बात पता किया, तब उनके यहाँ का लेख जो लोकल पुलिस थाना था वहाँ हमारे बात हुई, फिर वहाँ का स्टाफ उनके घर पर गया और उनके परिवार के बड़े भाई जो है दीपक करके हैं उनसे हम बात कराई, वीडियो कॉल पे हमने कॉलिंग किया, पता लगा कि इसी का भाई है। फिर वो हमारे संपर्क में आए और आज वो उसके बड़े भाई जो है दीपक अपने भाई को लेने आए, बहुत खुश है। और यूँ माने तो विद्यालय का आज का दिन जो है बहुत खुशी का बड़ा दिन है, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा बच्चा जा रहा है हमारे बीच में। बहुत सुंदर बच्चा, बहुत सुंदर बच्चा, बहुत एक्टिव बच्चा था हमारे, लेकिन अपने परिवार से मिला, आज मैं बेहद खुशी इस बात। जब विकास का भाई दीपक बाड़मेर पहुंचा और अपने भाई को देखा तो उनके दिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 4 साल बाद जब परिवार ने अपने खोई हुई कड़ी को फिर से पाया तो हर सदस्य की आंखों में खुशी के आंसू थे। दीपक ने बताया कि इस खुशी का कोई मोल नहीं है और अब उनका परिवार फिर से एक साथ है। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मेरा नाम दीपक दर्जी है। इसका थोड़ा दिमागी हालत ठीक नहीं था तो वो 3 साल आगे ही निकला हुआ था। हमने कोशिश की ढूंढने की मगर कुछ पता नहीं लगा और घर का परिस्थिति भी थोड़ा बहुत कुछ ठीक नहीं था तो हम उतना ये लगा के भी ढूंढ नहीं सके। तो यहाँ से गया था फोन तो उसके द्वारा हम यहाँ पे आ पहुँचे और हमारे भाई से मुलाकात हुई। कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्या साल के बाद अब भाई जो मिल रहा है? हाँ, बहुत मशक्कत करनी पड़ी और हमें बहुत खुशी है कि हमारे भाई मिल गए हमें। क्या हुआ, क्या था, क्या जिससे घर से निकल गया? ये तो हम भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारे तो हम भी काम करने वाला लड़का है, हम भी बाहर में काम करते हैं तो घर पे नहीं थे उस वक़्त, ये निकल गए तो आज 3 साल के बाद बाड़मेर में मुझे मिला, राजस्थान बाड़मेर में। बहुत खुशी मिली, अपना भाई मिला मुझे और मैं संस्थाओं को भी धन्यवाद जनाता हूँ दिल से कि आज मुझे मेरा भाई मिला ठीक सही तरीके से। घर वालों को जब पता चला तो कितनी खुशी हुई थी? बहुत खुशी हुई, उन्होंने बोला कि आप जाओ देखो क्या है नहीं है, फिर मैं घर से यहाँ डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ के मिलने के बाद भाई क्या बोला, कितनी खुशी हुई भाई को? भाई को भी खुशी हुआ, बात कर रहा था
पहले पहले तो बात नहीं कर रहा था, शायद नाराज भी थी होगी। अभी तो ठीक से ही बात कर रहा है, घर जाऊंगा बोल के बोल रहा है, तो मैं भी घर ले जाना चाहता हूँ अपने भाई को। अभी देखे घर आने के हो रहे हो, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। पुनर्वास गृह में अब तक 1.5 दर्जन से अधिक बच्चों को अपने परिवार से मिलने का अवसर मिला है और यह सिलसिला अब भी जारी है। अनिल शर्मा ने इस यात्रा को संभव बनाने के लिए अनगिनत प्रयास किए हैं और विकास की कहानी एक प्रेरणा बन गई है। अब बच्चों बिल्कुल बच्चा अब नॉर्मल स्थिति को हो रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल सब आज भी अपना काम स्वयं करा और पुरानी याददाश्त जो है वो सब अपने बच्चे मारी है। बच्चा खुद से गीत भी गा लेता है, पुराने परिवार लोगों के नाम भी बता रहा है, अपनी जो पुरानी कला है गीत डांस उसको भी अच्छे से कर लेता है। मतलब पुरानी याददाश्त की तरफ बच्चा लौट रहा है और मुझे उम्मीद है वो जल्दी पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। किस तरह ऐसे हुआ था, क्या हुआ? थोड़ा लगता ये है कि बच्चे के एक सीने पे कुछ नाम भी कुछ गुदा हुआ है और एक लड़की का नाम भी गुदा था। हमें लगा, परिवार से भी हमने बात की कि कोई लड़की से ये प्रेम करता था और वो शायद उसके साथ उसकी कहीं शादी और हो गई, तो थोड़ा सा गम में उस चक्कर में घर से कहीं परेशान होकर निकल गया और करते करते ये 2020 में घर से निकला है और 2021 में बाड़े पहुंचा। लगभग एक साल ये कहीं बीच में और रहा है बच्चा, उसके बाद में यहाँ पहुंचा। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में था और पूरा प्रयास किया गया कि बच्चे को उसका परिवार मिले और आज हमने उसको परिवार से मिला ही दिया आखिरकार। इससे पहले भी ऐसा कोई बच्चा थे जिसको परिवार से मिला? जी बिल्कुल, ये हमारा नियमित काम है, बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, मुझे बहुत जुनून है इस बात का कि मैं ऐसे काम सदैव करूं और मेरे अन्य काम के करते हुए लगभग ऐसे 16 बच्चे हैं अभी जो अभी तक मैंने घर पहुंचा चुका हूं मैं। अभी कितने और बच्चे हैं? अभी मुझे 10 बच्चे लगभग और हैं जिनकी काउंसलिंग चल रही है और जल्दी मैं दोबारा ऐसे आपके साथ समक्ष खड़ा रहूंगा और ऐसे और एक परिवार के साथ खड़ा रहूंगा ताकि उस बच्चे को भी हम लोग घर पहुंच सकें। आपको बता दें कि अब विकास अपने परिवार के साथ है और ये कहानी उनकी अनगिनत रातों और आशाओं की जीत की कहानी है। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।